पिपरिया विधानसभा का बाचावानी गांव ऐसा है जहां गणेश महोत्सव पर प्रतिमा और पंडाल नहीं सजते। ग्राम की हद में रहने वाले किसी भी घर या पंडाल में भगवान गणेश की स्थापना नहीं दिखती। इसकी वजह है गांव में सैकड़ों साल प्राचीन दुर्लभ तिल गणेश मंदिर। सभी यहां पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का मानना है कि यदि घरों में या पंडाल में श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित किया गया तो कुछ अनिष्ट हो सकता है। कुछ वर्ष पूर्व ग्राम में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पारंपरिक रूप से गणेश चतुर्थी से मंदिर में विशेष पूजा होती है जो अनंत चतुर्दशी तक चलती है। यह मंदिर पिपरिया से 18 किलोमीटर दूर है। बाचावानी निवासी विजेंद्र पटेल, संतोष पटेल, नरेश पटेल के अनुसार गणेश चतुर्थी पर पूरा गांव मंदिर में ही पूजन अर्चन करता है। घरों में या सामूहिक गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं होती है। मंदिर 800 वर्ष पुराना माना जाता है। ऐतिहासिक प्रतिमा की विशेषता यह है कि तिल आकार में ये हर साल बढ़ रही है। एक दंत गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर है और मूर्ति का निर्माण एक ही पत्थर पर किया गया है। मंदिर पुजारी मनोहर दास बैरागी के अनुसार दाहिनी ओर सूंड की प्रतिमाएं बहुत बिरली हैं। परंपरागत रूप से एक ही परिवार के वंशज यहां के पुजारी होते हैं। वे 8वीं पीढ़ी के हैं। ग्राम बाचावानी पूर्व में फतेहपुर रियासत का हिस्सा था जहाँ राजगौंड राजा का शासन था। उस समय ये प्रतिमा यहाँ खेत में मिली थी। राजा फतेहपुर को यह प्रतिमा पसंद आई। उन्होंने इसे हाथी पर रखकर फतेहपुर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिमा को उठाने के लिए बिठाया गया हाथी गणेश जी को लेकर खड़ा भी नहीं हो सका था। अंत में हार कर यह माना गया कि श्री गणेश इसी स्थान पर ही विराजमान चाहते हैं। तब यही मंदिर बना दिया गया। मैं मनोहर दास पुजारी, ग्राम बाचावानी से, श्री गणेश धाम। हमारे यहाँ गणेश जी की प्रतिमा 800 साल प्राचीन है और यहाँ पे भगवान गणेश जी लाए गए थे। नर्मदा जी की जल की धार में मिले थे यह गणेश जी, और जल में जब ये मिले तो गांव के लोगों ने गाड़ी में, बैलगाड़ी में बैठा के गांव में ले आए और लाकर के मंदिर पर निर्माण किया और उनको विराजमान किया। 800 साल प्राचीन हो गए, हमारी 8 पीढ़ियाँ यहाँ पूजन करते हो गए और दादा उसके आगे से बैठे हुए हैं। चतुर्भुज रूप में दाहिनी सूंड और रिद्धि सिद्धि एक ही वाहन में ऐसी प्रतिमा दुर्लभ है जो भारत के अंदर शायद कहीं मिलेगी। तिल तिल बढ़ने वाली हर वर्ष माघ के महीने में तिल के समान बढ़ती है प्रतिमा, और श्रद्धालु आते हैं, माताएं अपने पुत्र कामना के लिए आती हैं और भक्त लोग जो भी कामना लेकर आते हैं उनकी निश्चित रूप से पूर्ण होती है। हमारे गाँव में जो गणेश जी की मूर्ति है वो दिन दिन बढ़ती है, ऐसा पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताया करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव में मेरी भी उम्र 45 वर्ष की हो गई है। यहाँ पे 5000 की पॉपुलेशन है, एक भी प्रतिमा मतलब बाहर से जो गणेश जी लेके आते हैं मूर्ति वाले वो स्थापना नहीं होती। हमारे यहाँ पूरा गांव एक साथ मिलकर गणेश जी के मंदिर में आकर पूरा गांव यहीं पे पूजा अर्चन करता है और 11 दिन जो भगवान के होते हैं अति उत्साह के साथ पूरा गाँव मिलकर मनाता है। और इस मूर्ति की खास विशेषता ये है कि ये जो मूर्ति है आपको कैलेंडर में भी भगवान गणेश जी की मूर्ति बाईं सूंड की मिलेगी, परंतु ये दाईं सूंड की है। यहाँ पे एक बार बहुत बड़े संत जो थे जो चांदी के सिंहासन पर बैठते थे वो यहाँ से निकले थे, उनका काफिला वहाँ रुक कर फिर वो दर्शन के लिए आए थे, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत सिद्ध मूर्ति है, ये दुनिया में कहीं नहीं है क्योंकि ये दाईं सूंड की मूर्ति है। दाईं सूंड वाले गणेश जी बहुत सिद्ध मूर्ति है जो आगे चल के ये गणेश धाम के नाम से जाना जाता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पिपरिया से शकील नियासी की रिपोर्ट।